आइए जानते हैं सावन के सोमवार की अद्भुत महिमा। हम लोगों ने केवल सुना ही होगा कि सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए, अथवा तो सोमवार शिव जी का दिन है। तो आइए अब शास्त्र प्रमाण देखते हैं। शिव जी स्वयं कहते हैं कि मत स्वरूपो यतो वारस ततः सोम इति स्मृतः, अर्थात सोमवार मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इसे सोम कहा गया है और इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ माना गया है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। शिव पुराण में ही आगे आता है कि निशियतने न कर्तव्यम भोजनम सोमवासरे, यानी दोनों पक्षों के प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है और यही बात श्रावण के सोमवार के लिए स्पेशली भगवान शिव जी ने आदेश देते हुए कहा है कि सोमे मत पूजा नक्त भोजनम, अर्थात सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। नक्त यानी केवल एक समय भोजन। सन्यासियों के लिए नक्त भोजन यानी सूर्यास्त के पहले वे कर लें और जो गृहस्थी हैं सूर्यास्त के बाद वो एक टाइम भोजन करें, तो इसे नक्त भोजन कहते हैं। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में आता है कि प्रदोष आदि गुणों से युक्त सोमवार के दिन शिव पूजा का विशेष महत्व है। अब इस चीज को हम लोग समझें, या तो प्रदोष व्रत हो और उस दिन सोमवार हो, अथवा तो सोमवार के दिन प्रदोष काल में शिव पूजन किया जाए तो ये प्रदोष युक्त सोमवार। प्रदोष काल सूर्यास्त के समय को कहते हैं। तो प्रदोष आदि गुणों से युक्त सोमवार के दिन शिव पूजा का विशेष महत्व है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो हमको तो मंत्र यदि नहीं आते हों, वैदिक मंत्र लौकिक मंत्र आदि, तो केवल ओम नमः शिवाय यह बोलते हुए भी हम पूजन कर सकते हैं, वह भगवान को स्वीकार्य है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा तो विधवा, कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। ये सोमवार का व्रत भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था। शास्त्र प्रमाण है, कृष्णे नाचरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम। इसका अर्थ है कि पूर्व काल में श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। तो श्रावण के सोमवार का व्रत आप लोग कीजिए और लाभ लीजिए, यह पौराणिक प्रमाण है। दिन में आवश्यक हो तो फलाहार कर सकते हैं, बाकी रात्रि को सूर्यास्त के बाद पूजन करके मीठा भोजन ले सकते हैं। बिना नमक मिर्च के भोजन करना चाहिए। और भी बहुत सारी उपयोगी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा। कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछिए। हरे कृष्ण।